तो जिनके लोगों की वजह से कांग्रेस गई थी, जैसा उसका कहना है, आज वो कांग्रेस में ही है। उसका कहने का मतलब यह है कि वो कांग्रेस छोड़ जाएं, यही चाहता है ना वो। इसने भी छोड़ी थी कांग्रेस, और बीएसपी का यहाँ से टिकट भी, इलेक्शन भी लड़ा था यमुनानगर से, जमानत जब्त हुई थी इसकी। वो तो एमपी का चुनाव इसलिए जीत गया कि प्रदेश के अंदर मोदी की लहर थी और जाट नॉन जाट हुआ पड़ा था। आप जोर लगा लेना, अगर जीत जाए तो किसी भी सूरत में जीत नहीं सकता, वो तो जाट नॉन जाट का मामला हो रहा था और मोदी की लहर थी। और मोदी का तो शुरू से ट्रेंड यही है कि जहाँ जाट है वहाँ जाट नॉन जाट कर दो, जहाँ पटेल है वहाँ पटेल नॉन पटेल कर दो, और जहाँ रिजनों की संख्या ज़्यादा है वहाँ रिजन नॉन रिजन कर दो, और जहाँ पर मुसलमान है वहाँ हिंदू मुस्लिम कर दो। बीजेपी की भी कास बुक उसको कुछ नहीं जानती, वो तो ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान करो और वोटें ले, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब देख लिया वहाँ पर जो सरसा के अंदर मोदी साहब की अमित शाह की रैली हुई, 10,000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाए ये लोग, 10,000, और उसमें भी 4,000 जो थे वो पुलिस वाले बैठे थे। कहाँ रहेगी बीजेपी अब? कोई बीजेपी नहीं।